शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काव्य लो खाना। आहिस्ता, सो रही है क्या? काव्य का फेवरेट पुलाव। ठीक है, उतार रख दो। थोड़ी देर सोने देते हैं। काव्या बेटा, अरे आराम से बेटा, आराम से। पापा जी, पुलाव की खुशबू आ रही है। एक मिनट, हमारी गुड़िया की फेवरेट पुलाव। बहुत अच्छी खुशबू है। खाओ बेटा। पुलाव देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। हाँ भाई, बचपन की आदत है। कितने कमाल की बात है, करण सर को काव्या की पसंद और नापसंद आज भी याद है। धीरे धीरे यही बात काव्या को करण सर के करीब ले आएगी। ये देखिए पार्वती जी, हमारी बिटिया खाना खा रही है, उसकी मनपसंद पुलाव। माँ, आपके हाथ का पुलाव खाकर तो मेरी मरी हुई भूख भी जिंदा हो जाती। बहुत स्वादिष्ट बनाया है। लेकिन बेटा, ये पुलाव मैंने नहीं बनाया। तो फिर पापा जी, आपने बनाया है? नहीं, मैंने नहीं बनाया बेटा। आंटी सही कह रही है, ये पुलाव आंटी ने नहीं बल्कि करण सर ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, खाना खत्म हो गया है, ये अब चुपचाप दवाई लो और सो जाओ। चलो सो जाओ, चलो चलो चलो, दवाई लो। ये फोटो यहाँ पे किसने बदली है? ये दूसरी फोटो किसने बदली? मैंने। क्यों? क्योंकि अब करण की फोटो, मतलब ये फोटो, इस फोटो को देखोगी
तभी करण को अपना पाओगी। काव्या? के कमरे में क्यों जा रहा है? आई होप काव्या को पुलाव पसंद आया हो। आप बता रहे हैं काव्य आज भी तुम्हारी कमजोरी है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी उस खूबसूरत कमजोरी को